आते शोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मोटे नहीं लगे पैसा नहीं मैं। हेलो अगर रेफरी का ऑर्डर डिसओवे किया था निका मोटा कंपीटीशन नहीं है बहुत बड़ा इंटरनेशनल पद्धर का कंपीटीशन है ये रेफरी का फैसला टल होगा बिल्कुल किंतु परंतु नहीं होनी और कुश्ती करके दिखाओ ये अमृतसर ही कुश्ती हुई है ए ओलंपिक की कुश्ती नहीं हुई अजे तक। मैं सहयोगी सज्जणा दे नां दस रहा सी उन्हां दा धन्नवाद भी कर रहा सी दविंदर सिंह भिंडा देश आजाद होने तो पहला अमृतसरी पहलवान इस तरह की कुश्ती कराया करते ही लेकिन ओलंपिक दे विच इस कुश्ती नूं मानता नहीं मिली इस तरह की नूं हुण तुहाडे सामने कुश्ती हो रही आ यह कुश्ती जिहड़ी होगी ये ओलंपिक स्टाइल कुश्ती होगी। उधर कहते भी बनी की कबड्डी असमें जनेत परे की धरती का अमन नौजवान इस नौजवान रोकने के पूरे यतन दे विच है कि जफा मार के कुड़की पाली लत्तां नूं कि जिंदे वांगू गोल हो गया जिन्ना जोर सी गबरू आ तेरा लाओ ताड़िया मार दो दर्शक वीरियो बहुत बड़ी कुश्ती सामने। हेलो मैं बेनती कुश्ती सज्जन कमेंट्री करते हैं कुश्ती अगर महाराष्ट्र इस तरह की कुश्ती हो हेलो दस दस हजार रुपया टिकट लग जाता भाई कमेंट्री का घटो घट तालमेल जरूर रखा करो सारे बेचना बोलिया करो संगत जिनी जुड़ी बैठी है उन्होंने भी पता नहीं लगता घटो घट दस के ता माइक की वरतों कराया करो तालमेल बनिया रहे कमेंट्री वाले का तो चंगा होंगे। मैं धन्यवाद कबड्डी मैं धन्यवाद कर रहा सुरजीत दविंदर सिंह भिंडा यूके वाले का जिन्हों का कि कबड्डी की जिनी कमेंट्री इंग्लैंड होंगी वो सारा दारोमदार इन्हों हों इतने अपने आनंदपुर साहब स्पोर्ट्स क्लब यूके वास्ते भी इन्हों का बहुत बड़मुला योगदान है। इस तरह अख्तर सहोता जी यूके पिंड चक ढडे जिला कपूरथला सुरेंद्र सिंह अठवाल यूके पिंड समीपुर जलंधर इन सारियां दा ही बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू सुरजीत ककराली बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर गुरविंदर सिंह जी भुल्लर साहब जिन्हों की सुरीली आवाज जी आप मंच तो सुन रही है कभी जलंधर दूरदर्शन के लिए कभी पंजाब खेड मेलिया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उधर भिंडा साड़ा वीर जिन्हों की गल भुल्लर साहब ने की भी इंग्लैंड के खेड मेलिया के शिंगार ने पर इधरले पासे कहिंदे भी वेखो बहुत ही जानदार ते शानदार तरीके सुहाने पिंड दा पम्मा दुनिया के टॉप के जाफियां दे विच ना जुड़िया होया है लो मुकाबला डी दे दरम्यान है लो ताड़ियां मार दो दर्शक वीरो यह है सुहाने पिंड दा पम्मा जिस नौजवान ने अगले शानदार अंक दा वादा अपनी टीम दे हिस्से कर दिता है। हैलो बीपर दी धरती दा तोता लो जी पीले जंग वाले ने अज बहुत ही तगड़ा कुश्त करके तुहानू दिखाया पर मोटे नहीं लाए इस करके कुश्ती जिहड़ी आ पॉइंटां ते चल रही आ नीले वाले ने कोई करिश्मा नहीं करके दिखाया अजे तक कुश्ती करके दिखाओ पहलवान उधर कुश्तियां बहुत ही जबरदस्त चल रही ने इधर कबड्डी के जिहड़े मैच बड़े तकड़े ने क्योंकि बड़ी खुशी की गल है आनंदपुर साहब स्पोर्ट्स क्लब यूके जिन्होंने लगातार जिहड़े 11 सालों तो इन्हां साडे वीरां ने रल मिल के हर साल की तरह 11वीं जिहड़ी होला महला सर्कल कबड्डी चैंपियनशिप ते कुश्ती दे मुकाबले करवा रहे ने समुची साडी आनंदपुर साहब स्पोर्ट्स क्लब यूके नूं बहुत सारिया मुबारक ने बहुत वड्डी हिम्मत है बहुत वड्डा उपराला जिन्हां दा लगातार 11 सालों तो इंग्लैंड तो आके साडे वीर आनंदपुर साहब की पवित्र धरती से खेडों का जड़ा बहुत बड़ा बीड़ा चुकते हैं पर मैदान देखो इस समय हैप्पी सैपड़ी साहब की धरती का बड़े खूबसूरत अंदाज अगले अंक का वाधा अपनी टीम दे हिस्से करता हुआ भरो वाली आ अमन गज चौड़ी छाटी है तो कलाड़ी के बेलने वर्गे पट ने कि चक्किया के पुणा वर्गिया हेक जिगरे गाडर ने जूझ जूझ के हंध्या का टच करते बाडर ने देवी दयाल प्रीता घुग्गा शंकर पिंडा सी इधर कहते भी खुडा अली शेर पिंडा बेला यह है चंडीगढ़िया बेला जिस नौजवान ने ट्राई की हुई है मुकाबला डी दरम्यान है उधर कहते भी 3 सैकंड 2 1 ताड़िया मार दो दर्शक वीरो बहुत ही तकड़ा पॉइंट है सब खुडा अली शेर पिंडा यह है बेला नौजवान लो जी उधर कबड्डी इधर कुश्ती जिन्नी वधिया कबड्डी
हो रही है उन्नी वधिया। आ देखो ढालिया बई चारों कोने च ताड़ियां मार दे बई। एक लख रुपये की कुश्ती हो गई आ, इफरान जित गया। अफलातून इहदा नां अफलातून चाहिए, इमरान नहीं चाहिए। अगली कुश्ती निंदर ते गौरव गेट रेडी। उधर कुश्तियां बड़िया जबरदस्त चल रही ने और बड़ी खुशी की गल भी कबड्डी 365.com के जरिए पूरी दुनिया के जेडे अज दिन खेडों का जो लाइव दिखाया जा रहा है। सरदार केसर सिंह जी धालीवाल जो कि यूके दे विच बैठे कबड्डी के मैचों का आनंद माण रहे भी बहुत सारिया बधाइया भेज रहे ने। आनंदपुर साहब स्पोर्ट्स क्लब यूके दे सारे प्रबंधक वीरां नूं इधर कहिंदे भी चंडीगढ़िया नौजवान कुलवीर सिंह रिंकू सरदार जसवंत सिंह दा होड़ सपुत्र जिस नौजवान ने धावा बोलिया होया है, जिस नौजवान की कहिंदे भी नैशनल स्टाइल दे विच सिरा करांदा है, चंडीगढ़ का नैशनल का चैंपियन है। उधर चंडीपिंड का जीता शीने परिवार का जीता वेखो इस समय कोशिश करता हुआ इस नौजवान को रोकने की, पर आ पॉइंट भी इस रिंकू नौजवान ने अपनी टीम दे जोड़ दिता है। उधर कहिंदे भी भोला रसूल भरी है, कोई चंडीपिंड का भोला आखदा है कोई रसूल प्रिय आखदा है। वेखो रसूल प्रिय की पई हुई कबड्डी से हुण जरनैल सिंह का होना सपुत्र यह है नौजवान करमा धनास पिंड का जिथों का रिंकू बड़ा प्रसिद्ध है। लो उस नगर का करमा जिहड़ा इस नौजवान नूं भोले नूं नहीं रोक सकिया। लो जी ये पहले राउंड की आस लास्ट कुश्ती निंदर हैगा लाल चिट्टे जंग ते गौरव सॉरी जसदीप पटियाले के दरम्यान हो रही है। अगली कुश्ती हिंदुस्तान का रुस्तम रूपल पहलवान ओदी कुश्ती गुरप्रीत पटियाले दे नाल होवेगी। दर्शक वीरो बहुत वड्डी कुश्ती आ और गुरज का दावेदार रूपल पहलवान भारत केसरी रुस्तम हिंद पहलवान अंतरराष्ट्रीय पहलवान ते इधर पॉइंट इन फेवर ऑफ लाल जंगिया। हैलो पहलवाना दे नां तुसी कोच साहब दस दिते है। मैनू मार्शल अकैडमी का कोच जग्गा मेरे को बैठा, वह कहिंदा जी रैफरी का नाम भी दसो। नवदीप शर्मा है रैसलिंग कोच मार्शल अकैडमी आनंदपुर साहब जिहड़ा रैफर कर रहा इस रैसलिंग मैच की। सो बहुत बहुत जी आया नवदीप शर्मा मार्शल अकैडमी। ओवर टू सुरजीत ककराली। बहुत बहुत धन्यवाद भोलर साहब। कबड्डी का बड़ा तकड़ा मैच चल रहा है। उधर कहिंदे अगली जिहड़ी कुश्ती है रूबल पहलवान की तकड़ मिलनी है। इधर बन्नी समाणे खुरद पिंड का उधर जंडी पिंड का जीता हल्का जिहा पुश करता होया, पर आ पॉइंट भी बन्नी ने अपनी टीम दे लई जोड़ दिता है। इहदे नाल ही जिहड़े इस मुकाबले का अद्धा समा हो चुका है, अद्धे समय तक दे अंक भी आपां तुहाडे नाल सांझे करांगे। अद्धे समय तक इस मैच का की लेखा जोखा है। उधर माइक ओवर टू फिर जिहड़ा पहलवानी खेत्र दे आए। हाय हाय देखो कुश्ती कुश्ती हो गई हो गई कुश्ती हो गई हो गई। लाल जंगे वाला पहलवान चार कोने चित कर गया अपने विरोधी पहलवान नूं। दर्शक भी ताड़ियां मार दे भाई, ये भी लख तो घट नहीं है। ते रूपल रुस्तम हिंद भारत केसरी ओदी कुश्ती गुरप्रीत पटियाला दे नाल अगली कुश्ती लई तैयार बर तैयार रहन। हैलो 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 बी पूल दा अगलिया दोनों टीम एक सैकेंड अगलिया दोनों टीम पटियाला ते श्री अमृतसर साहब अमृतसर साहब ते पटियाला दोनों टीम हाफ टाइम हो चुका, दोनों टीम रेडी होके ग्राउंड के पहुंच जा अमृतसर ते पटियाला। थैंक यू। एस जी एस खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल आनंदपुर साहब के इस विशाल स्टेडियम के ग्यारहवां होला महला कबड्डी चैंपियनशिप ते कुश्ती मुकाबले आनंदपुर साहब स्पोर्ट्स क्लब यूके वालों बहुत शानदार उद्यम ते उपराला मां खेड कबड्डी नूं प्रमोट करन दे लई कबड्डी का मैच शुरू हो गया है। वर्ल्ड कप दे विच भी सुनिया सी सुरजीत नूं, विदेशां दे विच भी जाके कमेंटरी करता है। ओवर टू सुरजीत ककराली। लो जी रूपल पहलवान भारत केसरी ते रुस्तम हिंद पहलवान आ गया मेरे खब्बे पासे। रुस्तम बन के आया पहलवान मन्नण हणे धरती तों। इहदा मुकाबला गुरप्रीत पटियाला दे नाल होण जा रिहा हिंदुस्तान। रुस्तम रुस्तम पहलवान भाई
मारो ताड़िया। गुरप्रीत पटियाला चिट्टे जंगिया दे नाल कुशली पंजाब नूं माण है इस पहलवान दे उपर। गुरज जित के आया और 5 लाख रुपया नाल जितया। इस पहलवान ने हिंदुस्तान का चैंपियन बनया हुणे हुणे ही। मारो ताड़ियां, ताड़ियां मार दे भाई, बहुत वड्डा पहलवान आ। उधर जिथे दूसरा हाफ जिहड़ा कबड्डी का मैदान दे विच चल रही है, अधे समय तक लुधियाने की टीम के पॉइंट रहे 12.5, रोपड़ मोहाली फतेहगढ़ साहब की टीम के जिहड़े पॉइंट रहे 19। ये अधे समय तक का स्कोर सी। नाउ दूसरे हाफ की खेड मैदान दे विच खेडी आ रही है। यह कहते भी सुहाने मिड दा अमन। उधर जनेत परियमन ने बड़े शानदार तरीके जफा ला के एक होर जिहड़े उत्तम अंक का वाधा अपनी टीम दे कर दिता है। इधर कहते भी लसाड़े गिल मिड दा ग्यानी समतर जा कादा है, ते शरीर वेखो भी मुंडे का पूरा गुंदिया पे है कि गुंदवे शरीर वाले बाहां नूं हिलाउंदे पाड़े वल आउणगे। पहला रब नूं ध्या के हाथ दो ही कनी ला के पहली रेड़ पाउणगे, होके जोश विच पूरे लाल सूहे मार दे लफेड़ होणगे। खेडां वेख लो आनंदपुर साहब दियां के जोधियां दे भेड़ होणगे, भी सूरमियां दे भेड़ होणगे। जोधियां दी टक्कर ते सूरमियां दी टक्कर जिहड़ी मैदान तकन मिली हुई है। इधर कहते भी इंद्रजीत बनी की कबड्डी, हुण वेखो बहुत ही जानदार शानदार तरीके मैदान पूरा जिहड़ा कलावा भरिया होया है। ते गल इस समय मुश्किल बड़ी पई है। यह है कलसिया पिंड का जौंटी जिस नौजवान ने बड़े तकड़े जिहड़े पॉइंट का वाधा अपनी टीम दे कर दिता है। उधर जंडी पिंड का भोला जिस नौजवान ने फिर धावा बोलिया हुई है। माज परिया संजू, नथमल परिया कुलदीप, सुहाने पिंड का पम्मा ते सोण ना सोण की कोशिश है। यह है सोण नौजवान ने जिस नौजवान ने पट फड़िया होया है। ते गल जिहड़ी मुश्किल जी बनाई पई है कि तीली तो बन गया लौंग, लौंग तो बन गया कोकानी। लाओ ताड़ियां मार दो दर्शवीरियो। यह नौजवान सोण सुहाने पिंड का जिस नौजवान ने जफा ला के अगले शानदार अंक का वाधा अपनी टीम दे कर दिता है। लाओ अगली कबड्डी फिर वेखदे भी सरबजोत सिंह तोता 20 प्रिया नौजवान ने जिस नौजवान ने मैदान धावा बोलिया होया है। शरीर वेखो इस नौजवान का पहलवाना वर्गी दिख है और भुखा लथरिया ने। नौजवान के शरीर के दर्शन करके लोहड़ियों का जोश है, लोहड़ियों का खरोश है। लपाई हुई कबड्डी ते हुण वेखो मलक की धरती का हिंदा नौजवान ने रोकण का पूरा यत्न करता होया कि टक्कर पैगी शेरां दी, टक्कर पैगी योधियां दी। लाओ ताड़ियां मार दो दर्शकों, ताड़ियां मार दो इसमें। बहुत ही तकड़ा जिहड़ा पॉइंट फिर इसमें मलकी हिंद नौजवान ने ला के अगले अंक का वाधा अपनी टीम दे कर दिता है। इधरले पासे 68 कहते भी छपार पिंड का नौजवान ने सामला जा रंग है जो मटकनी जी चाल दे विच हल्के हल्के जे पब जिहड़े विरोधियों के वल वधा रहे हैं। तो इन्हां चार गबरों के विच हुण वेखने भी कान मां दा बली पुत। लो नथमल प्रिया कुलदीप जिस नौजवान ने बड़ी फुर्ती पट फर के कैंची मारी हुई है। खिंचो नौजवाना, लाजोर लाजोर। लो समा थोड़ा है, लो ताड़ियां मार दो दशमीरियो। यह नौजवान कुलदीप नथमल प्रिया जिस नौजवान ने जफा ला के अगले शानदार अंक का वाधा अपनी टीम दे कर दिता है। उधर सरदार दलवेख सिंह जी सकत्तर साढ़े श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी जिन्होंने थोड़े समय के सिंघां दी बहुत ही तकड़ी टीम तैयार की हुई है, उन्होंने भी धन्यवाद है। इधर सैंपली साहब की धरती का हैप्पी मैदान दे विच जंटी दे नाल दोहत करके अगले खूबसूरत अंकड़े का वाधा अपनी टीम दे करदा होया। चल शेरू सियां पा फिर कबड्डी, करखांगले समां खेड कबड्डी दी। इधर चार नौजवान ने पम्मा सोण आयोडक स्प्रे दे लई बेनती है। जिन्हां वीरां दी ड्यूटी है प्लीज वो आयोडक स्प्रे मैदान दे विच पुजदी कर देने। इधर सुहाने पिंड दे पम्मे ने हल्के जे पुश दे नाल ही अगले खूबसूरत अंक का वाधा अपनी टीम दे कर दिता है। इधर कहिंदे भी बन्नी नौजवान ने पिछले 15 दिनों दे विच 2 बुलट मोटरसाइकिल जीते। इस नौजवान ने जिस नौजवान ने हुण धावा बोलिया होया है। समाणे खुरद पिंड का बन्नी हल्के हल्के जे पब विरोधियों वल वधा रहा है। उधर कहिंदे भी गंजा कालख पिंड का फड़िया होया गुट, लो फड़ी हुई खुच और बजते हुए झटकों के असमें बनी अगले शानदार अंक का वाधा अपनी टीम दे कर चुकी है। और एक बार फिर तो असी समुची आनंदपुर साहब स्पोर्ट्स क्लब यूके का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस साल
ड्रग दे लई बहुत वड्डा उपराला बहुत वड्डा हंबला मारी है नौजवानों नशे तो बचाने के लिए बहुत वड्डा जिहड़ा हंबला साडी यूके कबड्डी फैडरेशन का और जिन्हों के योगदान के सदका बहुत सारिया पंजाब दियां फैडरेशन ते होर साडियां देशां दियां जिहड़ियां फैडरेशन ने उन्हां दे नाल रल मिल के कबड्डी जिहड़ा नशा मुक्त करने लई वड्डा योगदान पा रहे ने और पहल की है साडी स्पोर्ट्स क्लब यूके गल करिए साडी समुची इंग्लैंड की फैडरेशन की परेतले पासे कहिंदे वी नौजवान रिकू की कबड्डी से जनेत बरी अमन कोशिश कर रही है तो मुकाबला सख्त है मुकाबला डी के दरम्यान है नई रीसा मां के बली पुत दियां ये पॉइंट भी जिहड़ा रिंकू ने अपनी टीम के लिए जोड़ दिता है कि वेख लवो साडी एक गल मन के देगी बदम हथी मां भन के सारे का सोहना शरीर बन जाऊगा जिहड़ा खेडेगा कबड्डी अमीर बन जाऊगा छड्ड दिओ खाने तुसीं यार पीमां भुक्कियां मुक जाओगे छेती सुक जाणगियां बूथियां जिहड़ा ग्राउंड विच आऊ मेरा वीर बन जाऊगा जिहड़ा खेडेगा कबड्डी अमीर बन जाऊगा जिहड़ा खेडेगा कबड्डी अमीर बन जाऊगा शर्दो खेड़ा नशियां दा आओ नित्रो इन्हां मैदानां अंदर कि साड़ सुट अफीम ते शराब जरदा अमल रैणा किते पंजाब अंदर जित हार तां समें दे हथ हुंदी दिल होना चाहिए इंसान अंदर कि जित हार तां समें दे हथ हुंदी दिल होना चाहिए इंसान अंदर इधरले पासे लसाड़े पिंड दा ज्ञानी उधर बड़ी फुर्ती दे नाल बड़ी चुस्ती दे नाल मैदान दे विच इस समें कोशिश माज पर ये संजू नौजवान दी है पर अंक जिहड़ा इस ज्ञानी ने अपनी टीम दे लई जोड़ दिता है इधर बन्नी भरमे जी जुस्से वाला नौजवान ने जिस नौजवान की पहले गल की भी पिछले 15 दिनों दे विच दो बुलेट मोटरसाइकिल ते इस सीजन दे विच नौ मोटरसाइकिल 14 सोने दियां मुंदियां जितने वाला यह है बन्नी नौजवान ने उधर बड़ी फुर्ती दे नाल कोशिश की जा रही है पर आ वेखदे भी पॉइंट बन्नी ने अपनी टीम दे लई जोड़ दिता है और दूसरे हाफ की पानी की ब्रेक है एक बार फिर तो असी समुची साध संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और जेडे अज दे इस जिथे कबड्डी के मैच उथे पहलवाना दी कुश्तियों का आनंद मार रहे ने हेलो 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 पटियाला ते अमृतसर पटियाला ते अमृतसर दोनों टीमां जल्दी ग्राउंड वाल नूं आउण पटियाला ते अमृतसर जे टीमां लेट हो गईआं फिर ना कहो उन्हां दे प्राइज चों पैसे कट ले इस करके टीमां ते टीमां दे कोच ध्यान रखण टाइम दे उत्ते ग्राउंड नूं रिपोर्ट कर हेलो हेलो भाई एक बहुत जरूरी सूचना कुश्ती दी आ सैकंड राउंड दूजे राउंड दीआं कुश्तियां चल रही आ दूजे राउंड दीआं कुश्तियां खत्म होने तो बाद तीसरा राउंड जिहड़ा ओह कल ठीक 10 बजे कुश्तियां कल इत्थे शुरू होणगीआं 10 बजे सारे पहलवान ध्यान देण फिर ना कहण कि लेट आए हाँ जां पहलां नहीं सानूं दस्सिआ कल ठीक 10 बजे कुश्तियां होणगीआं आ दूसरा राउंड सब पहलवानां ने घुल के जाणा आ धन्नवाद पटियाला वर्स अमृतसर दीआं टीमां दे दरम्यान जिहड़ा नैक्सट मैच खेडिआ जाणा है इन्हां दोनों टीमों के खिडारी बिना किसी देरी तो जिहड़े मैदान के बाहरले पासे पहुँच जाणगे पटियाला वर्स अमृतसर इन्हां टीमों के दरम्यान नैक्सट मैच खेडिआ जाणा है टीमों के खिडारी जिहड़े फिर तो तैयारी दे विच रहणगे लो वेखो सामने अमन कबड्डी कोच मास्टर भुपिंदर सिंह दा चंडिआ होइआ नौजवान ने सोहाने पिंड दा गभरू कबड्डी पा रहे है उधर कहिंदे भी बड़ी फुर्ती दे नाल बड़ी चुस्ती दे नाल बड़ी दूरों इस नौजवान दे दोनों ही जिहड़े पट खिच के इस नौजवान नूं रोकण दा यतन कीता जा रहा है यह है नौजवान कलसियां पिंड दा जंती हैलो जिस नौजवान ने अगले पिंड दा वादा कीता है हैलो हाँ जी बिक्की अथड़ा करे चंडीगढ़ दा पहलवान इहदा मुकाबला हो रहा भुपिंदर माछीवाड़े दे नाल कुश्ती शुरू करो प्रिंस ते जीता अगली कुश्ती लई तैयार बार तैयार रहन धन्नवाद ओवर टू कबड्डी बहुत ही खूबसूरत मुकाबला ते बड़ी जबरदस्त जिहड़ी टक्कर मैदान दे विच बनी हुई है बड़ा रोमांचक मैच खेडिआ जा रहा है इधर कहिंदे भी रिंकू नौजवान धनास पिंड दा
उधर जंटी कलसिया पिंड है, पर आ पिंड भी रिकू ने अपनी टीम दे जोड़ दिता है। उधर बहुत ही सत्कारयोग जिथे इंग्लैंड फैडरेशन के साडे सतनाम सिंह जी सत्ता मठडिया वाले, उन्होंने नाल सुरेंद्र सिंह जी माणक साडे सैकटरी साहब, और जिन्हों के बहुत बड़े यत्नों के सदका इस साल इंग्लैंड जिन्हें भी खिडारी जेडे कबड्डी खेडन जा रहे ने वो नशा मुक्त जेडे खिडारी होणगे। बहुत बड़ा माण दिता है इंग्लैंड फैडरेशन ने समुचे पंजाब के नौजवानों नू, और पंजाब के सूरमियों नू, पंजाबियों की महबूब खेड कबड्डी नू असी फिर तो धन्नवादी। असी समुची साड़ी इंग्लैंड कबड्डी फैडरेशन जिहड़ी लगातार 11वें साल दे विच अज जुड़े होया इस कबड्डी का महाकुंभ, कुश्तियों का महाकुंभ, पर उधरले पासे वेखो बड़े जानदार अते शानदार तरीके नाल बिंदु रूमी पिंड दा नौजवान जिसने बन्नी नू जफा ला के अगले खूबसूरत अंकड़े दा वादा कर दिता है। उधर कहिंदे वीर रसूल परिया भोला कबड्डी पा रहे है मैदान दे विच चलदी होई इधर कुश्ती, इधर कबड्डी का तुम आनंद लेंदे हो। कहिंदे काले रंग दे गुट दे विच जिहड़ा पहलवान है भुपिंदर पहलवान अजनाला खड़ा माछीवाड़ा, ते दूजे पासे यह पहलवान विक्की चंडीगढ़ अखाड़ा राजे पहलवान का चीर रोड चंडीगढ़ मैदान तुहाडे सामने जिहड़ी कुश्ती चलती है। एक एक राउंड जिहड़ा पहले पहले दोनों पहलवान राउंड जित के दूजे राउंड दे जिहड़ी कुश्ती चल रही है मैदान दे विच तुहाडे सामने है। वाकई बड़ी प्यारी कुश्ती मैदान च। ते अगली गल माइक तो सरदार सुरजीत सिंह जी ककराली। उधर कुलवीर साडा वीर कई नर तो जो कि साडे पहलवानां दी गल सांझी कर रहे आ, पर इधरले पासे वेखो गंजा समी अगले शानदार अंक दा वाधा। लखान कहिंदे वी बद्दू वाली इहने पॉइंट अपनी टीम दे जोड़ी है, और अगली कबड्डी मैदान दे विच फिर वेखने वी चढ़दी जबरेस है। ते मुछ फुट गभरू गिद्दड़ पिंडी पिंड है ते नवी नाइस नौजवान दा। उधर खुडा वाली शेर पिंड दा बल्ला, इधर कहिंदे वी रुपिंदर सिंह पोपा मौली बैदवान पिंड है जिथों दे सरदार नेक सिंह दा नाम बलदां दे विच मशहूर है। मैदान दे विच कहिंदे मुकाबला सख्त है भुपिंदर अजनाला जिथे दो अंक जिहड़े लै चुके हैं, ते दो अंक जिहड़े होर उस गभरू ने अपने खाते दे विच जोड़े ने भुपिंदर अजनाला, ते नाले हेठले पासे विक्की पहलवान चंडीगढ़। मैदान चलदी होई कुश्ती, अगली कुश्ती दे जिहड़े पहलवान ने ओह भी तैयार पर तैयार रहणगे। अगली कुश्ती दे पहलवान प्रिंस पहलवान कोहाली ते जीता मलिक, पर अगली कुश्ती लई पहलवान तैयार पर तैयार रहणगे। माइक कबड्डी ग्राउंड दे हवाले है। लो इधरले पासे रिंकू तनास नगर दा नौजवान है, अगले खूबसूरत अंक दा वादा अपनी टीम दे लई करदा होया। चल लो ज्ञानी सिया पा फिर कबड्डी के सबर सिदक तो डोली ना तू पुत पंजाब दिया, घर घर पहुंचे मैं कोई तेरी फुल गुलाब दिया, मथे मिट्टी चुम लाउणगे तेरिया रावां दी, बई पुत बहादुर कुख सफल कर जांदे मावां दी, पुत बहादुर कुख सफल कर जांदे मावां दी। छीणिया मावां दे बबर शेर पुतां दे दरम्यान बहुत ही तकड़ी कबड्डी का आनंद जिहड़ा तकण नूं मिलिया होया है। जिथे इस चैंपियनशिप का जिहड़ा पहला इनाम 5 लाख रुपया दिता जाना है। पटियाले की टीम के खिडारी जिहड़े हाले तक मैदान के बाहरले पासे नहीं पुजे, पटियाले टीम के खिडारी जिथे मेरी आवाज सुनते हैं वो ध्यान देंगे। इस मैच का थोड़ा समा बाकी है, पटियाले टीम के खिडारी बिना किसी देरी तो जल्दी जिहड़े मैदान के नेड़े पहुंच जाएंगे। फिर तो बेनती है भी पटियाले टीम के खिडारी जल्दी ना मैदान के नेड़े पहुंच जाएं। लो इधर कहिंदे वीर रसूल परिया भोला जंडी पिंड के नाम नाल प्रसिद्ध होया भोला भरमें जे जुस्से वाला पंजाब के कबड्डी कपां दे विच संत ईश्वर सिंह कबड्डी अकैडमी राड़ा साहब के लिए जगतार सिंह धनौले की टीम लिए कबड्डियां पाने वाला नौजवान ने अगले खूबसूरत अंक का वाधा अपनी टीम दे कर चुके है। एक एक कबड्डी बड़ी जानदार तो शानदार जिहड़ी मैदान दे विच तकण मिली हुई है, सोहणी खेड है। उधर कुलवीर दे लई बेनती है कि जरूर ग्राउंड दे विच पुजणगे, पर इधरले पासे कुलवीर सिंह रिंकू मैदान दे विच फिर धावा बोल रही है। समंदर जा कद है ते बड़ी प्यारी खेड है, नैशनल स्टाइल दे विच इस नौजवान का बड़ा वड्डा नाम है क्योंकि चंडीगढ़ का चैंपियन रहा खिडारी जिस नौजवान ने धावा बोलिया होया है। और चार गभरों के हुण वेखदे भी लुधियाणी ने चार गभरों के बिंदु नौजवान ने रोमी की जिहड़ी कोशिश है।
उधर कहते भी शेरू मैदान सिंह नौजवान ने जिसका शरीर वेखो भी पूरा गुंदिया पिया है। यह है शेरू गोरे निशो रंग का गभरू जिस नौजवान ने धावा बोलिया होया है। उधर पम्मा कहते भी कहते कहते रेडर रोकण वाला के छोटी उम्र बड़ा जिगरा शेर का पम्मा सुहाणा बड़े बड़े रेडरों ढेरिया ते आके घेरदा। यह है ढेरिया ते आके घेरन वाला नौजवान पम्मा जिस नौजवान की ट्राई की हुई है। पर वेखो सामने पॉइंट जिहड़ा सुहाणे पिंड दे पम्मे नौजवान ने अपनी टीम दे लई जोड़ दिता है। इहदे नाल ही जिहड़ा मैच समाप्त हो चुका है ते नैक्सट मैच दीआं टीमां जिहड़ियां मैदान दे विच पुज्जणगीआं बाती साडे परम प्यारे मित्र दविंदर सिंह जी भिंदा मठड्डियां वाले जो कि इंग्लैंड दे विच बहुत तकड़ी कमेंटरी करदे ने और जिहड़े साडे वीर अंकां दे वेरवे नालों नाल ही सांझे कर रहे ने। ओबटो रेसलिंग मेंट के जरा ला लो जी लो जी बहुत ही बढ़िया पांच ते चार स्कोर का फर्क आ। छोटी हाइट वाले पहलवान दे पांच पॉइंट आ जदों के दूसरे दे चार पॉइंट आ और बहुत बढ़िया कुश्ती चल रही है। तुहाडे सामने अजनाले वाला पहलवान पांच पॉइंट बिक्की दे चार पॉइंट छोटा पहलवान बिक्की आ ते लंबे वाला पहलवान जिहड़ा अजनाले पहलवान आ अजनाले वाल बहुत बड़े बड़े पहलवान होंदे आ और बाकी बहुत अच्छी कुश्ती आ तुहाडे सामने। और इस तों बाद अगली कुश्ती जिहड़ी होनी आ वह सिमरतपाल ते गुरसेवक खन्ना दे दरम्यान बहुत बड़ी कुश्ती होनी आ। पहलवानों लाल गिट्टे ते जिन्हें रिबन बन रखिया इन्हें बड़ी कुश्ती की शुरुआत दे विच लेकिन मगरों आगे थोड़ा ढिला पै गया पता नहीं दूसरे ने इन्हू ढिला कर दिता। हुण अगर थोड़ा कस के रहूगा तो इहदा काम बन जूगा नहीं तो फिर घर नूं तां जाणा ही इन्हें। शाबाश। हैलो दो मिनट कुश्ती दे सिर्फ बाकी आ लाल लाल पट्टी वाला इस समय जित रहा लंबी हाइट वाला पहलवान ते दूसरा एक पॉइंट ते हार रहा बहुत समा घटिया समा भी तुहानूं मैं दस रहा जे जितना जिहड़ा भजूगा उहदे खिलाफ पॉइंट हो जाणा। लो जी हाँ जी दो पॉइंट होर संगा साहब जी पॉइंट दस दईए पहले मैच दे जिहड़ी लुधियाणे की टीम सी पॉइंट सी 27 27 पॉइंट ते रोपड़ की टीम के पॉइंट सके 36 पॉइंट 36 रोपड़ फतेहगढ़ साहब मोहाली ते लुधियाणे के पॉइंट 27 ते जिहड़ी मोहाली फतेहगढ़ साहब रोपड़ की टीम आ वह जेतू रहे उस मैच की। ओ बट्टू संघा साहब जीता जित रहा जी इस समय जीता सॉरी बिक्की जित रहा ते अजनाल पहलवान थोड़ा पिछे चल रहा समा बहुत घटिया कोशिश कर लूगा बराबरी दे भी आ सकता है। ओवर टू साडा इंटरनेशनल हाँ जी काका घणी वाला आउंदा उहदे पटियाले दा जाफी मैदान दे विच कहिंदे बड़ी प्यारी कुश्ती चल रही नहीं रिसा भुपिंदर अजनाला दो पॉइंट कदे एक पॉइंट ते विकी अगे कदे एक पॉइंट ते भुपिंदर एक पॉइंट भुपिंदर का अगे है नहीं रिसा भुपिंदर एक पॉइंट इस वेले अगे मैदान चलती हुई कुश्ती नौंदर भन्नणा आखदे सदा नूं 30 सैकेंड बाकी ने भुपिंदरा 30 सैकेंड बाकी ने विकी सिंह कहिंदे सैकेंडा की खेड बाकी है सैकेंडा की खेड मैदान दे विच बहुत ही सत्कारयोग सरदार राजवीर जी साडे कोच साहब उच्चे पिंड तो इस वेले कहिंदे रैफर दीआं सभावां दिंदे होए चलती हुई कुश्ती मैदान दे विच समा जिहड़ा आखदे बिल्कुल नेड़े लग गया। पंज ककियां दी दात आ दात देखी 15 सैकेंड दा जिहड़ा समा बाकी है न्यारा खालसा पंथ सजा दिता खंडे बाटे दी बख्शी है पहल ऐसी सवा लख दे नाल इक नू लड़ा दिता दुश्मन ने भेजिया मस्त हाथी बचित्र सिंह ने कले पजा दिता वाजा वालिया तेरे बलिहार जावा बूटा सिखी का आनंदपुर ला दिता। अज भुपिंदर आनंदपुर साहब की पवित्र धरती के उपर
ग्यारवा प्रिंस कोहाली शानदार कबड्डी कप श्री आनंदपुर साहब स्पोर्ट्स कप जुके दे बहुत बड़े उद्यम दे नाल जगतार तनौला जिथे मेरी आवाज सुनदा होवे ग्राउंड दे विच रिपोर्ट करे उस विछड़े हुए साथी नूं याद करदे आ चले चल यावना चले चल याद आउंदी है थां थां निहाल सुनाए जांदे हैलो हुंदे दुख नहीं। हाँ जी माइक ओपन टू स्टेज आपा जी एक मिनट लो मैदान दे विच कहिंदे अगली जिहड़ी कुश्ती शुरू होण जा रही है प्रिंस पहलवान कोहाली प्रिंस एक बार हथ खड़ा करदे पता लगे दर्शकां नूं कि कोहाली कित्थे पैंदी है अमृतसर दे विच कोहाली पैंदी है पदार्थ पहलवान दा तुसीं नां सुणिया होणा है उन्हां दा तैयार कीता होया नौजवान प्रिंस कोहाली मैदान दे विच तुहाडे सामने है पर दूजे पासे मलकप्रिया पहलवान जीता मैदान दे विच जिहड़ा इस वेले रैड कलर की पट्टी जिहड़ी अपने पैर नूं बन्न रहा है बड़ी प्यारी कुश्ती जिहड़ी मैदान दे विच होण जा रही है अगली कुश्ती लई पहलवान सिमरतपाल फरीदकोट ते नाली गुरसेवक सिंह कुद्दू खन्ना लो मैदान दे विच कुश्ती शुरू हो गई है मलकप्रिया पहलवान हेलो जीता लो मेरे तो सजे हाथ ते नाल प्रिंस नहीं हो रही सा एनु प्रिंस आखदिया जी ने कुश्ती बाई पा दित्ती है भाजी एनु प्रिंस आखदिया जिहड़ा बाई फाल कुश्ती जित गया आ भी गुरसेवक सिंह को दुखना एक सैकंड दे दियो भाजी क्योंकि रिजल्ट जिहड़े नाल दी नाल हो गए ने आ एक सैकंड पहलवानां नूं कॉल कर दियो एक सैकंड सिमरतपाल फरीदकोट गुरसेवक खन्ना ए मैदान चौण माइक कबड्डी कमेंटेटर होरां दे हवाले है उस विछड़े हुए शादी उस विछड़े हुए साथी नूं याद करदे आ थां थां नहीं हाल सुनाए जांदे हुंदे दुख नहीं थां थां फोल यार किसी चीज की कदर का फिर पता लगता जो रही नहीं अपने कोल यारो अज स्वर्गवासी सरदार लैंबर सिंह कंग नहीं रहे उन्होंने याद को समर्पित ग्यारहवां शानदार कबड्डी कप श्री आनंदपुर साहब स्पोर्ट्स कप जुके श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के बहुत बड़े सहयोग के नाल होले महल्ले के इस पवित्र दिहाड़े ते करवाया जा रहा है जिदे विच बहुत बड़िया माणमतियां शख्सियतां पुज्जियां लो पटियाले जिले का आ खिलाड़ी जोगी जोगना अगली कबड्डी पाउण दे लई किहो जिहा कमाल करदा है चार जाफियां दी कतार दे विचों लो सामने गुलाबा लश्करी लंगल पैंदा है गहरबान खिलाड़ी बगला पाउण दी कोशिश करदा है एन वागे वाले बार्डर दे उपर मुकाबला ते पॉइंट रेडर दे खाते दे विच जगरूप कोहाली लवप्रीत पहलवान पटियाला ए पहलवान अगली कुश्ती लई नेड़े आ जाण उस तों बाद जिहड़ी कुश्ती अगली होणी है प्रेमवीर पहलवान मड़ौर ते नाली पहलवान मनवीर जलंधर ए पहलवान तैयार बरतैयार रहणगे मैदान च जिहड़ी कुश्ती शुरू होई है इहदे विच इक पासे गुरसेवक सिंह कुद्दू खन्ना प्रेमवीर ते सोनी सिओड़े दी कुश्ती है पहलवान ध्यान दिओ गुरसेवक सिंह काले रंग दे नगोटे दे विच है जिहड़ा पहलवान ते उहदे नाल जिहड़ी कुश्ती हो रही है सिमरतपाल फरीदकोट लाल रंग दे नगोटे दे विच अगली गल कबड्डी मैदान तों लो सामने सिकंदर लश्करी नगल की धरती का कबड्डी बोला है हंधे पॉइंट रेडर के खाते दे जुड़ गया श्री अमृतसर के खाते दे जुड़ गया अगली कबड्डी पाने कनौर की धरती का विक्की लोहे वर्गे पट्टे थापी मारद एक पासे जोमन अवान पिंड वाला नाल गुलाबा लश्करी नगल किहो जिहा कमाल करदा है असी खेडिए ना पिंड करिए उच्चा लो सामने जोवल अवान की धरती का पर पॉइंट रेडर के खाते दे जुड़ गया गोपी खरताए खतराए खुर की धरती का अगली कबड्डी पाउण लई जिले अमृतसर की धरती का अगली कबड्डी किहो जिहा कमाल करदा है असी खेडिए ना पिंड करिए उच्चा सिर उत्ते हथ रबा तेरा चाहीदा है लो सामने काका कड़िया पाल जवाल कबड्डी कप के भी खेड़ है डकन की कोशिश की पर पॉइंट रेडर के खाते दे जुड़ गया असी खेडिए ना पिंड करिए उच्चा सिर उत्ते हथ रबा तेरा चाहीदा है गौलिया के जान पाई होवे बथेरी पट्टा विच जोर भी बथेरा चाहीदा है रकड़ा दे बंटी बिना दिल दे कबड्डी नहीं खेड होंदी कबड्डी खेडण दे लई सीने विच शेर जिहड़ा जिहड़ा चाहीदा है लो कौन जिगरा करदा है भड़ी बरेंचा पिंड जस्से के नाम के प्रसिद्ध ही है उंगली खड़ी करके दसदा कि पॉइंट जाफी के खाते दे विच
चढ़ गया। लो अगली कबड्डी पौंद रही संदीप अमान पिंड वाला सिख सरदार गबरू सज्जन अगली कबड्डी पौंद रही कई एक बारे कई दो बारे तू देश काम तो सत बारे सत बार के कहना पाना मीठा लागे तेरा सरवंश दानिया दे देना कान देऊंगा तेरा। श्री आनंदपुर साहब की धरती जिथे मल अखाड़ा रचाया करते सन हां गुसाई का पहल बनना मैं गुरमिल उचित मानना। उस लड़ी नू यूके फेडरेशन ने नाल श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने लड़ी नू अगे तुरिया सुल्तान सांसपुरिया अगली कबड्डी पौंद रही पिता जी ने बड़ी तकड़ी कबड्डी खेडी है प्रीते का लड़का भगत रब ने जग ते अमर रेंदे। हेलो लो जगरूप पहलवान ओदा मुकाबला करूगा लवप्रीत पटियाले का पहलवान दोनों पहलवान तैयार रहन ते इधर बहुत बड़ा मुकाबला रुस्तम का मुकाबला रुस्तम दे नाल गुरसेवक ते सिमरत पाल लाल जंगिया। मैं डॉक्टर साहब नूं बेनती करांगा कि वह ग्राउंड दे विच जाके देखन शायद थोड़ी सट लगी है मैदान दे विच चलदी होई कुश्ती कहिंदे सिमरत पाल फरीदकोट की धरती का पहलवान रेड कलर के गोटे के आप दूजे पासे कहते एशिया का सिल्वर मैडलिस्ट गुरसेवक सिंह प्यार घुद्दू आखद इस नौजवान खन्ने की धरती मैदान जी कुश्ती इस वे चलती है चलती हुई कुश्ती मैदान वाक्य पहलवानों कुछ करके दिखाओ क्योंकि वड्डा जिहड़ा उपराला किया आनंदपुर साहब गुरसेवक संतू नंगल की धरती का सामने सोनी घड़िया पिंड है सिख सरदार गबरू एक पासे गुरसेवक संतू नंगल की धरती का लो सामने ऐन हल्दिया के मुकाबला जो हल्दिया लग के आना है तो फिर पूरा जोर लगाना है देना हाथ मार हल्दिया सिर धरती बाजी ला के करना पार हल्दिया पंछी भी पौना दे संगीत गूंजद लगता है तकड़ा जफा पॉइंट जाफी के खाते जुड़ गया। अगली कबड्डी पौंद ले जोगी बेदरा पिंड वाला अगली कबड्डी पौंद है कबड्डी जाई धरत पंजाब की लो सामने उच्चे लंबे कादा खिलाड़ी या फिर जोबन अवान पिंड वाला है लो सामने आया जोबन अवान रखदा धौं ते हथ पर पॉइंट रेडर के खाते दे विच जुड़ गया। अज बहुत बड़ा माण लो एनु जनऊ आखते हैं कहते पहलवानी का जनऊ पर जनऊ टुट गया दो पॉइंट होर इस वे गुरसेवक सिंह घुद्दू के हिस्से जुड़ते हुए वाक्य बड़िया प्यारिया कोशिशां मैदान एशिया का सिल्वर मैडलिस्ट इस वे जद्दोजहद करता होया बेनती करदे वेटर वीरां नूं भी जिहड़ा रैफरी साहबान लिए पानी पुजदा कर दिओ कुश्ती दे मैदान दे नेड़े उधर नहीं रही सा लकीली लाउण दी गल कीती है गुरसेवक सिंह घुद्दू ने घुद्दूआ गल मुश्किल है रैफरी दे फैसले अखीले होणगे चलदी होई कुश्ती मैदान दे विच तालमेल बनाउणा पऊगा। लो विक्की कनौर अगली कबड्डी पौंद ले लोहे वर्गे परते थापी मारदा है क्योंकि कुछ ताकत होवे बाहां विच कुछ चर्बी होवे लत्तां ते ता थापी वजदी है पट्टां ते परते थापी एवें नहीं वजदी विरोधबंदी दे विच लो सामने संदीप पर दो नंबर दे उपर सिख सरदार गबरू गीतू लोधी अवान पिंड वाला लगन की कोशिश कर रहा है एन हल्दियां दे विच मुकाबला पर पॉइंट किहड़े खाते दे विच जुड़दा है पॉइंट रेडर दे खाते दे विच जुड़ गया। अगलिया टीमां ग्राउंड दे विच रिपोर्ट कर गया माणमत्तियां शख्सियतां दा विशेष तौर ते धन्नवाद करदे चलदे होए मैदान दे विच कुश्ती अगली कुश्ती लई लवप्रीत जगरूप जगरूप कोहाली लवप्रीत पहलवान मलिक अकैडमी पटियाला ये पहलवान अगली जिहड़ी कुश्ती लई तैयार बरतैयार रहणगे दोनों ही पहलवान उस तों बाद परमवीर पहलवान मरौट दे नाल ही सोनी पहलवान सिहोड़े की कुश्ती होनी है यह भी पहलवान तैयार बरतैयार रहणगे मनवीर जलंधर ते इमरान पहलवान हैलो मनवीर ते इमरान पटियाला निंदर पहलवान ते गौरव पहलवान मलकपुर हैलो हाँ जी एक थोड़ी गलतफहमी सी वो सूचना दोबारा सुन लो पूल ए दा जिहड़ा अगला मैच होना मैच नंबर पांच वो श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वर्सिज संगरूर ते बरनाले दीआं टीमां दे विचकार खेडिया जाणा सो वो दोनों टीमां तैयार रहन एस जी पी सी वर्सिज संगरूर एंड बरनाला ओवर टू कबड्डी ग्राउंड साढ़े दरम्यान सीधे एयरपोर्ट तो
पुजरिया माणमतिया शिक्षित अड़िका सिंह का खिताब खीरा मड़िए भजी मिले यूके फेडरेशन के प्रधान भी रहे है और बिंदर चट्टा साहब जिहड़े सीधे एयरपोर्ट तो श्री आनंदपुर साहब की धरती से पहुंच रहे हैं। अमरीक सिंह जी कोदा सूचना देखे गए हैं कि उन्होंने इतने उत्ते स्वागत किया जाएगा। विशेष तौर पर बहुत बड़ा उद्यम किया गया है इस कबड्डी कप के नशा रहत कबड्डी सत्ता मठाडा के नाल सुरेंद्र माणक साहब सारी यूके फेडरेशन के नाल मिलकर साझा उद्यम किया कि नशा मुक्त समाज उलीकया जाएगा। लो संदीप अवार्ड हल्का जहा टच किया है तो पॉइंट रेडर के खाते के जुड़ गया। लो अगली कबड्डी पहुंच ली। हेलो हेलो कमेंटेटर प्लीज अगला मैच जो होना है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से संगरूर का बाद चुना है उदू पहला हुशियारपुर से कपूरथला हुशियारपुर से कपूरथला क्योंकि मैच की सैटिंग थोड़ी जी चेंज की है तुम गलत अनाउंसमेंट करती इस मैच तो बाद हुशियारपुर से कपूरथला उस तो बाद होगा एस जी पी ते संगरूर धन्यवाद हुशियारपुर ते कपूरथला दोनों टीमां ग्राउंड दे विच अगला मैच खेडण लई रिपोर्ट करनगियां। लो सामने सुल्तान अगली कबड्डी पाउंद लई अगली रेड पाउंद लई धरती मां नूं नमस्कार करता है गल जहादारा विच हंदे दो दिसदे चढ़ जांदा चा जद खिडारी विच दिसदे सदके मैं जावां जी ने कार्ड दी कढ़ी है खेडनी कबड्डी यारो खेडनी कबड्डी है कई इहनू खेडदे कईआं खेड खेड छड्डी है खेडनी कबड्डी यारो खेडनी कबड्डी है। गुलाबे ने कोशिश की है लश्करी नंगल की धरती ने पर पॉइंट रेड के खाते के एक अंक का वाधा हो गया एक पावे रेड। लो सामने गुरसेवक अगली कबड्डी पाउंद लई संतू नंगल की धरती का किहो जिहा कमाल करता है पंज ककियां दी दात ते अंदात देख के न्यारा खालसा पंथ सजा दिता। लो सामने सोनी कणी पिंड वाला सिख सरदार गभरू कोशिश कामयाबी नहीं मिली तो पॉइंट रेडर के खाते के एक अंक का वाधा हो गया। अगली कबड्डी पाउंद लई जोगी गज चौड़ी छाती बननी है मां पुत नूं लगी समझाउण एक दिन पुत्रा जिंदगी दे विच महान बन जाई क्योंकि महान कार्ज करिए। लो सामने 11 नंबर तो हुण लोधी संतू नंगल की धरती का ढकण की कोशिश कर रहा पॉइंट। हैलो मैदान जी कुश्ती चलती सी गुरसेवक सिंह खन्ना एशिया सिल्क लिस्ट पहलवान कुश्ती जीत गया। अगली जी कुश्ती होने जा रही है जगरूप जगरूप से एक बार हाथ खड़ा कर दे कोहाली की धरती का जगरूप असे लवप्रीत पहलवान लवप्रीत सिया नीले रंग के नगोटे के बीच लवप्रीत चल जाने पट्टी छड़ दे पहलवान सोनी सिहोड़ा ये पहलवान अगली कुश्ती लई जिहड़े नेड़े रहणगे परमवीर ते सोनी सिहोड़ा। लो मैदान दे विच कुश्ती जिहड़ी शुरू होण जा रही है जगरूप पहलवान कोहाली रैड कलर का नगोटा पाया जिस नौजवान ने कहिंदे पदार्थ पहलवान अमरसरीए का वड्डा नाम रहा है इन्हां दंगलां दे विच ते उस तों बाद लाली की गल हुई है फिर साबे कोहाली की गल हुई है ते हुण गल कहिंदे जगरूप की हो रही है। मैदान दे विच जगरूप कोहाली ते लवप्रीत पहलवान पटियाला खेड कबड्डी गेम का जब कोई नाम भी लैंदा है सौ रब दी मैनू पिछड़े सरदार लहमर सिंह कंग दा झौला पैंदा है अज नहीं रहे शरदा दे फुल पेंट किए जा रहे हैं। लो अगली कबड्डी पाउंद लई सिकंदर थोड़ा चुकिया लश्करी नंगल की धरती का हल्के हल्के कदम पब रखदा बेगाने वेड़े दे विच किहो जिहा कमाल करदा है कल युग का जमाना। लो सोनी हल्का जहा टच वजा है तो साधु सिंह बराड़ सुरताल के मिसल मार दे के पॉइंट रेडर के खाते के जुड़ गया। अगली कबड्डी पाउंद लई पड़ी ब्रांचा की धरती का जस्सा रुस गए ने छज मंजे घड़े ते मदानियां तांगे बैल गड्डियां भी जान ना पहचानिया विरली ही नार कोई कढ़े फुलकारियां टेढ़िया पगां भी मनो गईयां ने विसारियां सीप भाभी हाकी की मंग पूरी जोर सी उदों तां पंजाब हुंदा कुछ होर सी अज दे पंजाब दे विच तब्दीली आ गई। लो अगली कबड्डी श्री अमृतसर की धरती का नौजवान गोपी खतराए खुर की धरती का नौजवान का शरीर तक लो आ जाता भजा एक पासे सोनी दो नंबर के उपर काका पर एक नंबर के उपर
बहुत सोने अंदाज दे विच मोर किहो जिहा कमाल करदा है जो कैंची विच होवे बंदा घुटिया पर वक्त बीत गया खरा जाफी जिहनूं तकनीक हैगी खुच पट के पट्टी पाण दी जी पर कोई कोई जाफी जुरत रखदा जफा ला के उत्ते बैठ दी जी ताड़ियां जरूर मार लिया करो बहुत ही रोचक बहुत ही शानदार और जीदारी दे नाल लगदा होया तकड़ा जफा सुल्तान चल अगली कबड्डी पाउण दे लई पटियाले जिले का अगली रेड पाउण दे लई किहो जिहा कमाल करदा है एन एक चौड़ी चार जाफी तैयार बर तैयार है एक पासे गोपी अवान की धरती लो सामने संदीप अवान पिंड वाला उच्चे लंबे कादा खिलाड़ी डकन की कोशिश की थी पर कामयाबी नहीं मिली अगली कबड्डी पाउण दे लई सज्जन संतू नंगल की धरती का अगली रेड पाउण दे लई मुड़का पूंजिया हांदियां दे विच आके धावी मार थापी दम पाउण लगा चार जाफी डी ते आण खड़ गए लो सामने सोनी अंक सज्जन दे खाते दे विच एक अंक का वाधा हो गया गई जवानी मुड़ नहीं आनी भावे लख तरले करो बई लंघिया वेला हाथ नहीं आना भावे जिन्ने मर्जी यतन करो बई लो सामने हेलो अगली कुश्ती लई दोनों पहलवान तैयार रहणगे पहलवान परमवीर मड़ौड़ ते सोनी पहलवान सिहोड़ा अगली कुश्ती लई दोनों पहलवान तैयार रहणगे मैदान च जिहड़ी कुश्ती चलदी है एक पासे जगरू पहलवान कोहाली जिला अमृतसर दूजे पासे मलिक अकैडमी पटियाले दा पहलवान लवप्रीत नाए जिस नौजवान दा नीले रंग दे रंगोटे दे विच कुश्ती तुहाडे सामने मैदान दे विच चलदी है बड़ी प्यारी कुश्ती के बंदा नहीं हो विच बंदिया शामिल जिहड़ा अंदरों होर ते बाहरों होर होवे आने बिच मैदान दे की करना पहलवान जो मिंत दा चोर होवे कखां वांगरा पैरां च रोले उही जिहड़ा बंदे तो बंदा कमजोर होवे सदा उसे दा साथ देण लोकी बिच बाहां जिहदियां जोर होवे तकड़े रोज तरन तौण ते गुड माड़ा मार नहीं रोधी जर सकदा बचन पहलवानी है दात कुदरती हर कोई बंदा पहलवानी नहीं कर सकदा बड़ी मुश्किल है पहलवानी माइक कबड्डी ग्राउंड दे हवाले है लो सामने जसा पड़ी ब्रेंचां दी धरती दा नशा मुक्त समाज सिरजना हेलो इंटरनेशनल कमेंटेटर चार मिनट दा समां बाकी है हां जी पहलवान ध्यान दियो चार मिनट दा समां जिहड़ा बाकी है माइक ग्राउंड दे हवाले है नशा मुक्त समाज सिरजना लो अगली कबड्डी पाउण दे लई जोगी यगी पौमा पिंड वाला श्री अमृतसर जिले दे विच वसा होया पिंड है अगली कबड्डी पाउण दे लई किहो जिहा कमाल करदा है चार जाफी ब्योतबंदी दे विच है लो सामने सोनी कणियाल पिंड है इस खिलाड़ी दा हल्की जी इस वेले नौजवान की कोशिश पर बहुत ही जबरदस्त है सिर ते सरदारी कायम है साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की बख्शी हुई सिखी पर पॉइंट हेलो रेडर दा एक मिनट कमेंटेटर प्लीज भाई आज फिर किसी प्रबंधकी कारण करके एक चेंज करनी पई है अगला मैच एस जी पी सी वर्सेस संगरूर बरनाला क्योंकि असी कि उन्होंने अपील सुनी सी शड्यूल तोड़िया सी पर संगरूर वालियां नूं फिर प्रॉब्लम आ गई इस करके असी साडी मजबूरी है तो असी शड्यूल नूं फॉलो करते हैं शड्यूल के मुताबिक फिर एस जी पी सी वर्सेस संगरूर बरनाला अगला मैच संगरूर वाले असी सॉरी हाँ बई थोड़ा पंजवां मैच है थोड़ा आना पैना है क्योंकि एस जी पी सी वाले रौला पाते हैं कि साडा मैच पिछे क्यों करते हैं अगला नैक्सट मैच एस जी पी सी वर्सेस संगरूर बरनाला जल्दी तैयार होकर आ जाओ ग्राउंड धन्यवाद एस जी पी सी संगरूर बरनाला इस तो अगला मैच होगा बहुत ही वड्डियां जिम्मेवारियां आपो अपनिया निभा रहे है यूके फैडरेशन बहुत बड़ा उदम उस पिछड़े हुए साथी साथी शरदा के फुल भेंट किए जा रहे हैं ग्यारहवां शानदार कबड्डी कप होला महला सर्कल कबड्डी चैंपियनशिप के कुश्तियां के मुकाबले आप सारे तक रहे हैं लो कबड्डी के नाल जुड़ते हैं अगली कबड्डी पाउण दे लई अमृतसर के अंक तेरा नोट करो छे मिनट का समा जो कुश्ती का बीत चुका है दोनों पहलवान एक पासे जगरूप कोहाली रेड कलर का नगोटा दूजे पासे लवप्रीत पहलवान पटियाले दरम्यान जी कुश्ती चलती है अगली फाइट लई दोनों पहलवान नेड़े आ जाएंगे परमवीर पहलवान ते नाली पहलवान सोनी सिहोड़ा ते सोनी सिहोड़ा
लो सामने सुल्तान सांसपुरी पल्स वर्ल्ड कबड्डी कप दे विच भी गल हुई है इस खिलाड़ी की बरसे दे विच मिली हुई कबड्डी एवें नहीं थापी बजदी जोर लाना पैंदा है सामने दो नंबर के उपर डकन की कोशिश की पर पॉइंट रेट के खाते के चढ़ गया। हैलो मैं जी आया कह लग्या सरदार मलकीत सिंह जी पिंड दौलतपुर जिला जलंधर साढ़े विचकार पहुंचे है पिंड के सरपंच नीवे तो समाज सेवक भी ने मैं उन्होंने इस खेड मेले के पहुंचने पर हार्दिक जी आया कहना सरदार मलकीत सिंह जी दौलतपुर बहुत बहुत जी आया जी ओवर टू कबड्डी ग्राउंड। सत मिनट का समा जो कुश्ती का बीत चुके है तीन मिनट का समा जो कुश्ती का बाकी है मैदान चलती हुई कुश्ती का समा जो तीन मिनट बाकी है उधर कबड्डी की गल होंदी है पर इधर पहलवानी की गल होंदी है गल कहिंदे कुश्ती की होंदी है। आनंदपुर साहब स्पोर्ट्स क्लब यूके वाले ने यह उपराला किया कि कुश्ती मिट्टी दे विच करवाई जा रही है पर पॉइंटां दे आधार ते नहीं रीसा पूरा जोर पूरी जान कहिंदे लगी हुई है मैदान दे विच चलदी हुई कुश्ती। हाँ जी लो सामने फिर कबड्डी के नाल जुड़ते हैं सैकंड हाफ की खेड जिहड़ी शुरू हो चुकी है। लो सामने नौजवान ने कबड्डी पाई है सामने लश्करी नंगल की धरती का गुलाबा कोशिश की है पर जोगी देना पिंड वाला अपनी टीम के लिए पटियाले एक अंक का वाधा करता हुआ वापस परत गया। लो अगली कबड्डी पुंडले जगी भोमा पिंड इस खिलाड़ी का कखा तो हो गई लखा दी लखा तो हो करोड़ा मुड़ के मुंडे कबड्डी खेडन लग पाए जो खड़े रेंदे सी मोड़ा ते चलो शेरा चल पा रेड़ रब का नाम त्याला हो लख लख का हो गया जफा टहलिया तू भी मुड़ जफा लाला हो लो जगी भोमा पिंड वाला अंक का वाधा करता हुआ वापस परत गया। डेढ़ मिनट का समा कुश्ती दा बाकी है बहुत ही सोहनिया दिशा निर्देश ग्राउंड दे विच कर रहे हैं। लो अगली कबड्डी एक पासे बिक्की कनौर पिंड वाला ब्योतमंदी दे विच चार खिलाड़ी एक पासे संदीप अवान की धरती ते है लो सुरताल दे विच वजदी हुई विसल पॉइंट रेडर दे खाते दे विच एक अंक का वाधा करता हुआ अगली कबड्डी पहुंच रही। हैलो सैकंडा की खेड बाकी है बिल्कुल समा जेड़ा नेड़े लग्या होया इस कुश्ती का बिल्कुल नेड़े लग्या होया समा वेखांगे की जेड़े फैसले होणगे की रिजल्ट होणगे इस कुश्ती दे। हाँ जी लो सामने एक पासे सज्जन सांतू नंगल की धरती का एक पासे दीपा देदरा पिंड वाला पटियाले जिले के देदरा पिंड बसा है सज्जन सांतू नंगल वाला हुण किहो जिहा कमाल करदा ते पॉइंट जाफी के खाते दीपे देदरे ने हिक वाले सुर दे नाल पटियाले के खाते दे विच जोड़ लिया। लो सामने भड़ी बलैचा की धरती का जस्सा अगली कबड्डी पौंद लई नशा मुक्त समाज सिरजना क्योंकि नशे खाण वाले अमली बनते हैं जेड़े खेडा खेडते हैं उन्होंने नाम दुनिया के उपर गूंजता है यूके फेडरेशन का वड्डा उद्यम एक पासे जस्सा भड़ी बलैचा पिंड वाला हल्के हल्के कदमों के नाल कबड्डी पाउंदा है। लो सामने उच्चे लंबे कादा अवान पिंड वाला संदीप खोज करता है पॉइंट जाफी के खाते के जुड़ गए अगली कबड्डी पाउंद लई गुर सेवक हल्के हल्के कदम संतू नंगल पिंड जे मुंडे तुसी परदेसी खेडन जाना तो मुद्रा पौनिया बंद करो कनीवाल की धरती का सोनी कहो जहा कमाल करता है एक पासे गुर सेवक 30 सैकंड की पैबंद कबड्डी पॉइंट रेडर के खाते दे विच हैलो जुड़ गए। लो समा जिहड़ा कुश्ती का समाप्त तो हो गया पर किसी भी पहलवान वालों कोई भी पॉइंट जिहड़ा इस कुश्ती ते नहीं लिता गया ते हुण कुश्ती कलंच ते होएगी 30 सैकंड का समा होएगा मैदान दे विच कुश्ती दा जिहड़ा आपां वेखांगे भी फैसला की होएगा। हाँ कुश्ती जिहड़ी कलंच ते होगी है थोड़ा जिहा साबता इधर पिल्ला मठट्टा साहब कहिंदे है कि ज्यादा जरा जोर है कमेटी के उपर रखा जाएगा दर्शक भी उताबले है। लो सामने सुल्तान सौंसपुरी है पल्स वर्ल्ड कबड्डी शानदार सेवा आ रही है जगी भोमा पिंड वाला अगली कबड्डी पाने लई हल्के हल्के कदम ये खेड प्यारी सब नू आखण सारे मां ये देखण नू सारे तरसदे भावें तुप होवे जां छां ये पालन पोषण खातर भी सब रख दे सोकी थां। लो सामने गल हुई है एक पासे काका देद ने पिंड वाला एंड ब्रेका ला दित्तियां है जेड़े खेड़ दे कबड्डी हुंदी है पूरी डैश होए क्रिकेट दे विच गेंदा कैच हुंदियां
ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਕੈਚ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਰੇਂਦਣਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਊ ਦਾ ਇੱਕੀਆਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰਕੇ 51 ਮੋੜਿਆ ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਅਡਵੈਰ ਨੇ ਲਿਆ ਪੰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਰੋੜਿਆ ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਲੋ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁੱਥ ਮਗੁੱਥੀ ਹੋਏ ਪਏ ਖਿਡਾਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੋਬਨ ਅਵਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਰ ਦੇਦਨਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਜੀ ਰੇਡਰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਗੰਗੇ ਗਾਮੇ ਵਰਗੇ ਦਾਰਾ ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਲੋਹਾ ਮੰਨਦੀ ਯੱਗ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਚੱਲੇ ਮਾਰ ਰੰਗ ਸੂਹੇ ਪਿੰਡੇ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਤਾਲ ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਇਧਰ ਹੈਲੋ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਲਚ ਤੇ ਹੈ ਯੋਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੰਤੂ ਨੰਗਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੁਣ ਗੁਰਸੇਵਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਕਾ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਂਜੀ ਮਾਈਕ ਓਵਰ ਟੂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈਲੋ ਲਓ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਪਟਿਆਲਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਲਚ ਤੇ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਪਟਿਆਲਾ ਆ ਵੀ ਸੋਨੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਿਹੋੜਾ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਰਮਵੀਰ ਮਰੌੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਨੀਆ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਸੋਨੂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਡੂਮਛੇੜੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਾਟ ਵਰਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਸੋਨੀ ਸਿਹੋੜਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਗੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਗੋਟੇ 'ਚ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਰਮਵੀਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮੜੌੜ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਬੱਡੀ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਲਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਮਾਈਕ ਓਵਰ ਟੂ ਸਟੇਜ। ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆਂ ਚੰਨਾ ਆਲਮਗੀਰ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵੀ ਨੇ USA ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ ਚੰਨਾ ਆਲਮਗੀਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਜੀ ਓਵਰ ਟੂ ਗਰਾਊਂਡ। ਹੈਲੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਰੈਫਰੀਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕੁਸ਼ਤੀ ਰੈਫਰੀਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਡੀਪੂ ਭਾਜੀ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਹੈਲੋ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ AGPC ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਬਰਨਾਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸੰਤੂ ਨੰਗਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਵੱਜਾ ਹੈ ਉਂਗਲੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਟੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਓ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੱਸਾ ਭੜੀ ਬਲੈਂਚਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀਏ ਦਰ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੂੰ ਨਾ ਮੋੜ ਨਿਖਾਲੀ ਕਰਾਂ ਸਿਫਤ ਕੀ ਲਾਜਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਬੁਲਾਉਣ ਬੱਕਰੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਨੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਜਾਣੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਾਨ ਬਾਗੀਆਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਰਾਗੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਟੀ ਰੱਖੜ ਆਖੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਸੋਨੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਹੈਲੋ ਸੋਨੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਿਹੋੜਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਵਾਈਫਾਲ। ਆਓ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮਨਵੀਰ ਜਲੰਧਰ ਇਮਰਾਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੰਦਰ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਗੌਰਵ ਮਲਕ ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਆ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਸੇ ਜਲਦੀ ਇਮਰਾਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਮਨਵੀਰ ਜਲੰਧਰ ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਅਗਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲਈ। ਮਨਵੀਰ ਜਲੰਧਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਚੱਲਾ ਸੁਲਤਾਨ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਸੁਲਤਾਨ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਕਦਮ ਟੱਚ ਕੇ ਨੂੰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਧੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਹੈਲੋ ਆ ਚੱਲਾ ਸੱਜਣ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਕੈਮ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖੀ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੋ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਹਰਕਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ
ਜਿਉਂਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਸਿਰ ਲੱਥ ਲਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੱਥ ਜਾਵੇ, ਸਿੰਘ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ, ਅਮ੍ਰਿਤ ਖੰਨਾ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਫੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਓ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪੁੰਦ ਲਈ ਦੇਦ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਜੋਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਸ ਗਏ ਨੇ ਛੱਜ ਮੰਜੇ ਘੜੇ ਤੇ ਮਦਾਨੀਆਂ, ਪਰ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਮ, ਮਾਹੀ ਪਿੱਛੇ ਪੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਮੁਟਿਆਰ ਸੀ, ਉੱਡ ਗਈ ਬਹਾਰ ਕਿੱਥੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਚੰਦਰੇ ਦੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਾਵਾਂ, ਟਿੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਨਾ ਰਹੇ ਨਾ ਬੋਹਰਾਂ ਤੇ ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। ਸੰਤੂ ਨੰਗਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਗੁਰਸੇਵਕ, ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪੁੰਦ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ, ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਕਦਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਖੇਡਣੋਂ ਚੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਉਣ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਐਨ ਗੁੱਟ ਫੜ ਕੇ ਕੈਂਚੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ ਜਾਫੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਜਾਂ ਰੇਡਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕੈਂਚੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਗਾਨੇ ਪੁੱਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਇੰਜ ਪੇਲ ਦਿੰਦੇ, ਸ਼ਕਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਪੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਗਾਨੇ ਪੁੱਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਇੰਜ ਪੇਲ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਅੰਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪੁੰਦ ਲਈ ਜੱਸਾ ਭਰੀ ਬਰੈਂਚਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪੁੰਦ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ, ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਮੇਰ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੀ, ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਪਾਉਂਦੇ ਜੋ ਵਾਢੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਅਣਖਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਸੂਰੇ ਲਓ ਉਂਗਲੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਦਾ ਜੱਗੀ ਭੋਮਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪੁੰਦ ਲਈ ਮਿਣ ਮਿਣ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਕਦਮ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਮੁੰਡਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਖੇਡਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲਾਵੋ ਮਿਹਨਤ, ਉਸ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਖੂਬ ਡਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਜੇਕਰ ਮਿਹਨਤ ਲਾਓਗੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਆਪੇ ਮਿਲਜੂ, ਚੋਲੀਆਂ ਪਰ ਲੈ ਜਾਓਗੇ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਖੰਨਾ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਲਈ। ਐਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਬਰਨਾਲਾ ਪਿੰਡਾ ਮਠਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਂਸਪੁਰੀਆ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪੁੰਦ ਲਈ। ਹੈਲੋ, ਅਗਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਗੁਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮਲਕਪੁਰ ਤੇ ਨਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮਾਚੂਵਾੜਾ, ਇਹ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਬਰਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਗਲੀਆਂ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਲੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਦੀਪ ਆਹਵਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਰੇਡਰ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮਦੀ ਹੋਈ। ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਲੋ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੇਵਕ ਸੰਤੂ ਨੰਗਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਕਵਾਰ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰੇ ਵਰਸਦੇ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੱਫਾ ਭਰਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਨ ਹਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸੇਵਕ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਧਾਵੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋਗੀ ਦੇਦਨਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਦੇ ਯਾਨ ਤੋਂ ਖੇਡਣੋਂ ਚੱਕਦਾ ਨਾ। ਲੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਦੀਪ ਅਵਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਸਕਿਆ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਆ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਕਦਮ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਨਿਊ ਦਾ ਇੱਕੀਆਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰਕੇ 51 ਮੋੜਿਆ ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ ਪੰਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਿਆ ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀਪਾ, ਮੇਰੋ ਮਣੀ ਜਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਡਤ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਮਯਾਬ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਫੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਹੱਥ ਕੜਾ ਤੇ ਮੁੱਛ ਖੜੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਪਹਿਚਾਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਕੋਲ ਰੱਸਾ ਕੱਸੀ ਤੇ ਹਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ।
ਰੱਖਣਾ ਵਾਲਾ ਖੇਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਪਰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਲਓ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਨਗੋਟੇ 'ਚ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਨਵੀਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਮਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਲਲਹੇੜੀ ਨਗਰ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਖੰਨੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅਖਾੜਾ ਮਲਕ ਅਕੈਡਮੀ ਪਟਿਆਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲਈ ਨਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਗੌਰਵ ਮਲਕ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਗਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਬਰਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਦਾਨ ਕਬੱਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਚ ਦਾ ਸਮਾਪਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿੱਤਾਂ ਹੜਾਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਕੌਣ ਹਰਿਆ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡਾ ਬਠਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜਿੱਤਾਂ ਹੜਾਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਈਆਂ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੁੱਤਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਸਰਮਲ ਪੁੱਤ ਵਰਗਾ ਵੀਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰਾਮ ਬਣ ਜਾਈ ਜਰਨੈਲ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕਿਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਸੁਲਤਾਨ ਬਣ ਜਾਈ ਸਿੰਘ ਸਜਿਆ ਤਾਂ ਸੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਈ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸਮਝਾਉਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਤਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਬਣ ਜਾਈ। ਦਾਸ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੁਮਨ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਣਮੱਤੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਗਈ ਆ ਹੁਣ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਖਾਲੀ ਕਰਾਤੀ ਆਪ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਚ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਚ। ਹੈਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਹੋਏ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ 37 37 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ 37 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ 20 ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗਿਣ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਲਵਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੀ ਵੈਸੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜੋ ਇੱਥੇ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ UK ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਾਪਾਂ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਸੀ ਅੱਜ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬੋਝ ਚੱਕ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਾਰਤਾ ਸਰਦਾਰ ਦਲਮੇਘ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ SGPC ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਮਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੌਮ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪੰਥ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਖਾ ਕੇ ਨਮਰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਕੈਂਸਰ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਡਰੱਗ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇਹ ਖੱਸੀ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਗੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੱਥ ਪਾਈਏ ਸਾਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮਨਵੀਰ ਜਲੰਧਰ ਜੇਤੂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ
ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛੋ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਢਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਜੁੜੀਏ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਟੂ ਦਾ ਯੰਗਸਟਰਸ ਹੂ ਆਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਆਊਟਸਾਈਡ ਇੰਡੀਆ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਵਨ ਰਿਕੁਐਸਟ ਲੈਟਸ ਨੋਟ ਸਪੇਅਰ ਆਵਰ ਟਾਈਮ ਇਨ ਦਾ ਹੋਲੀਡੇਜ਼ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਂਡ ਯੋਰ ਟਾਈਮ ਹੇਅਰ ਗਿਵ ਯੋਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਟਾਈਮ ਟੂ ਯੋਰ ਬ੍ਰਦਰਸ ਟੂ ਯੋਰ ਸਿਸਟਰਸ ਟੂ ਯੋਰ ਕੰਟਰੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲਾਈਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਮਾਣ ਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੱਕਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੌੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਰੀਸਾ ਪੁੱਠੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਠੀ ਮਾਰੀ ਐਸ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਕਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡਣਾ ਬੋਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਥੈਂਕਸ ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਆ ਗਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਮਲਕ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਠੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਬਈ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਾਓ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਜਗਤਾਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਾਈਕ ਕਬੱਡੀ ਹੈਲੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਹ ਹੁਣ ਜੁੜੀ ਆਪਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸਮਾਪਤ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈਲੋ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਾਕੀ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਹੋਣੀਆਂ ਸੋ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਵੀ 9 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈ ਹੈਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਾਰੇ ਭਰਵਾਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਸੁਣ ਲੈਣ 10 ਵਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ 10 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਿਓ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਉਹ ਆ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੀਰਾ ਸਾਮੀਪੁਰੀਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ ਸੋਤਾ ਬੈਠਾ ਰਾਜੇ ਸੋਤੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਦਾ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਲੈ ਲੈਣ ਰਾਜਾ ਸੋਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਸੋਤੇ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਚ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅੱਜ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਮੈਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 9 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਲਓ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਠੀਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਾਂਗੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਹਨੇਰਾ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਖਿਡਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਠੀਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਠੀਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਅੰਪਾਇਰ ਜੀ ਅੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਓ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੂਜੇ ਪਲੀਜ਼ ਰੁਕ ਜਾਓ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਹੈਲੋ ਕੋਈ
ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਮੈਚ ਹੋਊਗਾ। ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਾਕਓਵਰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਟੀਮ ਆਉਂਦੀ ਵਾਕਓਵਰ ਦੇਣਾ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਦੂਜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਾਹਰ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਥੈਂਕਸ। ਉੱਧਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਮੈਚ ਦੀ ਮਾਈਕ 'ਤੇ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬੜੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੈਚ ਖੇਡਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ 'ਤੇ ਮਾਈਕ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬੜੀ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਲਾ ਮੇਲਾ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਮੇਲਾ ਹੈ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਔਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ UK ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮੀ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਸਿਰਮੌਰ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਾਮ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਨਾਮ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਾਮੀ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਮੈਚ ਦਾ ਅੱਖੀ ਡਿੱਠਾ ਹਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਮੀ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਡਾਕਟਰ ਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਅੰਪਾਇਰ ਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੈਚ ਦਾ ਅੱਖੀ ਡਿੱਠਾ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਓਵਰ ਟੂ ਬੜੀ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਬੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਪਾਇਰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਅੰਪਾਇਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਪਤੋ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਟਾਮੀ, ਟਾਮੀ ਆ ਜਾ ਅੰਦਰ, ਆ ਜਾ, ਆ ਜਾ ਅੰਦਰ, ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਆ ਜਾ, ਆ ਜਾ ਭੱਜ ਕੇ, ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਕੌਡੀ ਖਿਡਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਸੱਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੱਲ ਟਾਮੀ ਆ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਤੂੰ, ਅਗਲੇ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਆ ਗਿਆ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ। ਅੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੋ, ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰਾਜੀ, ਦਰਸ਼ਕ ਕਬੱਡੀ ਦੇਖਣ ਆਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਵਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੋਪਰਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ TV ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੇ, ਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੋਗੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਪਾਲਾ, ਅਤੇ ਲਓ ਕਬੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਦਲਮੇਘ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਨੇ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਔਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਔਰ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਚ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਸਵੰਤ ਖੜਗ। ਲਓ ਸੋਨੂੰ ਟਰਪੱਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੰਗੂ ਬਡਵਾਲੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਿਗਲ ਵੱਜਿਆ, ਕੂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਚੜ੍ਹੇ ਸੂਰਮੇ ਸਿੰਘ ਦਲੇਰ ਮੀਆਂ,
निकले पुत सरदारा दे शैल बनके जिमें बेले निकलते शेर मियाँ और देखते हैं की करता है जुड़े तिरमाल समुद्र दिया कद ते देखते हैं दलमेख सिंह का लाडला ये बाज कहते हैं देखते हैं इनू कौन चिमड़ता राजा रह सरिया संत राम उदासी का ग्राही और बहुत अच्छा सदके जावा ने तेरिया कहते पिछे रहगी धूड़ उड़ती सिंह सूरमे नजर नहीं आते ते लो टोनी चनेर दिलवर का ग्राही और बहुत ही जबरदस्त मलेरकोटले दियां बरूहां च बसदा पिंड चनेर उत्थे दा टोनी हरी नी करूचा नम्मा गबरू देखदे आ की करके मुड़दा करले ने कट्ठे धरिया धौण ते हथ जस चौड़ा मधरा देखदे आ की करदे लेंदा कलावे च जा फिर मुंडा अंक बटोरदा सदके जावा एक एक अंक दोनों का बनिया ते देखदे आ गबरू आउंदा ब्यास दे कोल दा निरंजनपुरिया सुखा सिंह है मैं पहला भी कही सी सुखा सिंह ते मताब सिंह और सिंह सूरमिया ने मत्से रंगड़ दा सिर कलम करता सी ते देखदे आ ए निरंजनपुरिया की करदा है पाला लोगड़िया चिमड़िया इहनू देखदे आ पाला लोगड़ संगरूर दा लोगड़ पिंड नहीं रिसा पाला नेड़े आ तूके करला नेड़े खिंच लै हाण दिया सदके जावा जाई रिसा पुत्रा तेरिया लो आउंदा लाली चनेर उच्चा लम्मा संगरूर दा गबरू देखदिया की करके मुड़दा लाली चनेर बहुत अच्छा मुकाबला दोने तिरां दे दरम्यान हो गया बई लाली चनेर झुकदा हरजीत बराड़ दी तरह देखदिया की करके मुड़दा बहुत अच्छा चंद्री घड़ी भुलेखे दा डंग खाके बहुत अच्छा नहीं रीसा सत्तू खंडूर साहब का सत्तू देखदिया की करदा अजे हथ जोड़न गए और बहुत ही प्यारा चनेरिया दूजा अंक भी लेके गया जोबन चोला साहब का आंदा जोबन जवानी की गल करिए शिव बटालवी हंजू शिकवे झोरे और गवां की बात पाँदा रहा है मैं जवानी की बात पाँना इस सीनियर सैकेंडरी स्कूल की ग्राउंड के विचों ते जोबन चोला साहब नहीं रीसा सदके जामा पुत्रा ते 12 नंबर खुणवाया है दसंबर महीने का जिमें ना होवे ते आउंदा संगरूर वालों नथोहेड़ी का इंदा एक जग्गा गिल सी नथोहेड़े दा जिहड़ा के आखदा सी लोकगीतां दी गल करदा सी और अज नहीं बात पावांगा उह क्योंकि यह स्थान ही ऐसा है और देखदे आ इंदा की करदा है नहीं रिसा पुत्रा तेरिया बहुत अच्छा टच मारो देख दिया और बहुत अच्छा करमजीत लसाड़ा बहुत अच्छा लसाड़े पिंड दे भी बुद्धू वर्गे अस्से खिडारी होए ने ते देख दिया करमजीत लसाड़ा अगले जफ्फियां दे विच की करदा है आउंदा फिर उही इहदा रंग संदूरी है ये गोरी चिट्टी है इहनू मैली ना करना मेरे पंजाब दी मिट्टी है सोनू टरपला और मंगू वडवाली आखते ने देखते हैं की करता है बहुत अच्छा कर ले कट्ठे जिमें मरूदा की रेहड़ी एक थां ला देंगे टच मारेगा 30 सेकंड की रेड और गल पला के खेड़ मेले से 30 सेकंड की रेड बनी सी राजा रैसल वाला फिर चिमड़िया है बहुत ही अच्छा क्या बात है तू दगदा रही बे सूर जा कमिया दे बेड़े कदे कहा सी संत राम उदासी का गुराइया है आ गया चनेरा वाला गबरू टोनी एक सुरिंदर पाल टोनी है कालख का जो वो कबड्डी पाँदा सी किला रापर दियाँ खेडा तो लोग आखते की करूगा तो अज वह काल बहुत अच्छा नहीं रीसा कितने मखण की गल और सुरिंदर पाल टोनी की गल कितने माधपुरीए काले की गल कितने सुखचैन चैने की गल और मेरे मित्रों कले कले दी परमजीत सतनाम इंग्लैंड तो आए बैठे ने चिट्टी पिंड वाले वो भी लै चलिया गबरू शिकार मासिया का यह मत्ता मत्ता देख दिया की करदा मां सस्सी नू मत्ता दिंदी और देख दिया टच कर लै नहीं तो फिर अंदरी जूड़ ला देंगे बहुत अच्छा पुत्रा नहीं रीसा मैं गल करदा सी इस मिट्टी की कोई कड़त्तन किदा कोई उगावे ये मिट्टी तो घर घर जाके प्यार का गीत सुनाए
पुछ लो फकीरा तो यदि बाणी मिठी है, इदा रंग संदूरी है, गोरी चिट्ठी है, इनू मैली ना करना मेरे पंजाब की मिट्टी है। फिर आ गया गभरू रोड दे उत्ते ओही लाली, लाली इहदा नां है और चढ़दे सूरज की लाली वर्गा गभरू है। फसवां मैच होवेगा और तुसी क्या सराइयां लाओगे कि कौन बाजी मारेगा। आउंदा ब्यास दे कोले पिंड है नरिंजनपुर और उत्थे दा है गभरू है और सुखा सिंह और देखदे आ जूड़े तिरमाल गिची ते निके निके बाल उड़दे हुए पिंदर पिंदा जी आ मठडियां वाले जिथे का टूरनामेंट प्रसिद्ध है वो खड़े देखते ने और देखी जाती है और सदके जामा चोपरा देखदे आ तन्ना अलीपुर खालसे का बिल्कुल शेरपुर थाने वाली दे लागे ये धन धन करा दिंदा जो जफ्फा लाउंदा माधपुर पिंड दे कोले है। यदा अलीपुर खालसा पिंड तन्ना है। चलिया गभरू रेड़ दे उत्ते इंदा नथो वाली वाला नथो हेड़ी दा मैं पहला भी कहा सी गीतकार होया जग्गा गिल इंदा देख दिया इनू कौन सामदा गोपी सामदा जसे दा पुत्र जा फिर दूसरा गभरू जस सामदा चौड़े मदरे वाला जा करमजीत लसाड़ा टुट टुट पैंदे ने नहीं रीसा नहीं रीसा लै गया है और टच मार के लै बई जो बनाउंदा चोला साहब दा रोज जद आथण दा तारा अंबर ते चढ़ेगा कोई याद तैनू करेगा परदेस वसण वालिया इंग्लैंड कनेडा अमेरिका कोने कोने तो धरती तो और अपने पंजाबी प्यारे आए ने और उधर जोबन चोला साहब दा और देख लिया निकलिया पाला लोहगढ़ सी लोहगढ़ पिंड जिथे दियां बसां बड़ियां ने धूरी बस सर्विस है उत्थे दा है गभरूआ संगरूर जिले का टोनी झनेर मैं गल करदा सी अपने मित्रां दी के कीने पहला नाम देना कीने दूजा नाम देना कीने मोटरसाइकिल रखे ने और मेरे मित्रों कीने चौल चिल तिल चौली पाई है देखदे आ इहनू कौन सामदा बहुत अच्छा गोपी मंडिया दा जर्ग नू जदों आउने आ चल चलीए जर्ग दे मेले मुंडा तेरा मैं चक लूं ते मलेरकोटले तो जद खन्ने नू आउने आ जर्ग राह दे विच पैंदा है उत्थे मंडियां पिंडा तीन बच्चे खेडदे ने जस्सा मंडियां वाले दे और दुनिया दा महान जाफी ते धावी रहा जस्सा मंडियां वाला इस फानी दुनिया नू अलविदा आखिया पर उहदा बेटा गुरमीत गोपी और एक बेटा होर है ये तीन बच्चे खेडदे ने ते पहली बार ब्रेक होई है। मैं माइक देवांगा भुल्लर साहब नू अगली गल कहण दे लई तां जो ओह आयां दी हाजरी लवाउण मान सन्मान दवाउण। भुल्लर साहब बड़ी साहब बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडे शब्दां दी मिठास जिथे मन नू ठंडक दिंदी है सुकून दिंदी है उत्थे जोश भी भरदी है। सलाम है तुहाडी कमेंटरी नू तुहाडी शब्दावली नू तुहाडी शब्द चोण नू उत्थे ही मैं सलाम करदा सरदार दलमेख सिंह होणा नू जिन्ना कबड्डी नाल उहनां दा प्यार है उहनां दा नां जदों कबड्डी दा इतिहास लिखिया जाऊगा सुनहरी अखरां दे विच लिखिया जाणा जिन्नी समर्पण दी भावना दे नाल उन्होंने ये टीम नू सिंजिया प्रवान चढ़ाया है वो अपने आप दे विच इक लंमी गाथा है। परमात्मा करे दलमेख सिंह जी का प्यार खेडां दे नाल इदां ही बनिया रहे और कबड्डी दे नाल नाल बाकी खेडां नू भी प्रमोट करते रहन। ओवर टू बड़ी साहब। हाँ पिछले साल जदों मैच होया सीरा बाई रसपाल सीरा समीपुरिया आखदा सी गल की होगी दलमेख सिंह खीसा झाड़दा आवे कोई 20,000 रुपया कढ के लै गया और ये वो साई लोग है देखते हैं बड़वाली वाला की करता है ये लाडला है दलमेख सिंह का उड़ना बाज इनू आखते ने हुशियारपुर का ड्राइवर है गड्डी का वो गड्डी को चले जाए वैसे देखदा आ गया बई लाली लाली चनेर चनेर दिलबर जानी कदों मोड़ेगा फिर महारा और दिलबर बहुत प्यारा खिडारी रहा कबड्डी का मुसलमान भरा खेडते रहे ने और उत्थे दा इह गभरू है चीमे चौहाने कुठाला और संदौड़ दे लागे जे ये पिंड है संगरूर जिले का लो आउंदा शिकार माछियां वाला मत्ता देखदे आ जिहड़ा इहनू रोकदा समझ लो भी गभरू ने रेल रोक ली सिट के किकर दा मोछा जिवें कहिंदे ने देखदे आ इह की करके मुड़दा कौडी ते कुश्ती वर्गी जोरावर खेड नहीं
जफा है राणे बंजदा फिडू जी रेल नहीं जिंदगी विच बिना हौसले कम नहीं हो सौर दे रेडर ने अंबरसर दे जाफी लाहौर दे सोने ने कोतल घोड़े बल्द नगौर दे बलजीत सिंह खरडाला टाइम कीपर है मुनसिफ है और मेरे को आ गया सी आलमगीरिया चन्ना भी और मैं उन्हों देखिया वो वर्गा सी गभरू तो आ गया रेड़ दे उत्ते संगरूर का गभरू ए इंदा नथो हेड़ी दा नहीं रिसा क्यों पीली पैगी नी गोरिए अलड़पने विच ला के मैं अखियां ला बैठी चोपरा बैगी रूप गुवा के लोग ही सुन दे रहे हो और दे गया अंक और गबरू जाफी और मैं गल करांगा अवतार सिंह मकर साहब दी प्रदीप कुमार अग्रवाल साहब डीसी साहब दी और रिस्पेक्टेड एसएसपी दर्शन सिंह मान साहब दी ते इस कबड्डी तो बाद जिक्र करांगा आनंदपुर साहब स्पोर्ट्स क्लब जूके दे उन्हां हीरियां दी जिन्हां ने और दस पातशाह दे और नक्शे कदम ते चलदे आ अज गभरुआं नूं जवानी नूं सांभण दा जतन कीता है देखी जांदी है जुड़ गए ने हथ अज नहीं रिसा पुत्रा सदके जावा मंगू बड़वाली दियां तीन कबड्डियां ते चन्ना आलमगीर वालों हजारा रुपया आया अज जसवंत खड़क तू सामभ के रखी जिथे मंगू बड़वाली आला कबड्डियां पाएगा जिथे तू अंक लिखदा है बहुत अच्छी गल है समा थोड़ा कहण लई तां बहुत गल्लां ने मैं इसे वास्ते हंझू ते हरफ संभाल के रखदा बहुत अच्छा देखी जाती है और फड़िया पट नहीं रिसा करमजीत लसाड़ा सी ए चोबर और लुधियाने का पिंड है लसाड़ा आउंदा चोला साहब का और गभरूआ जोबन की करके मुड़दा है बहुत अच्छा मैं कहांगा गिरते है शाह सवार ही मैदाने जंग में वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले बहुत अच्छा बहुत अच्छा जगतार्थ नौला दुनिया का महान जापी जिन्हें सरदार बलविंदर सिंह फिडू जो कि कबड्डी का रुस्तम है उस नूं भी रोकिया सी और हरजीत बराड़ नूं मेरियां अखां दे सामने तीन बारी रोकिया सी ते और मक्खन चिड़क जिथे बच्चों नूं संभालदा और अच्छी सिक्ख्या दिंदा 5000 साइकिल रेस भी अंतर यूनिवर्सिटी का जेतू रहा तो उत्थे साडे कोले चिट्टी पिंड दे चोबर भी रसपाल होनी आए हुए ने बहुत अच्छा नहीं रीसा पुत्रा तेरिया कोई हथ पाऊगा इनू पवा के देखते हैं जे धक्के पवाइए तो देखते हैं 1000 रुपया एक आया तेरिया तीन रेडा ते पुत्रा एक तू पा गया दो रह गई चन्ना आलमगीर आया है चल के वह कहता रुक सारा नोटा दे सिर तो मार दौ बहुत अच्छा ये बहुत ही प्यारा खिडारी है सिंह सूरमा और देखो तुसी और मेरा ख्याल है ये भी चाह दे नेड़े नहीं जाता देख दे टच किनू मारदा कदे कदे ये हो जाता कि तारू डुब जाते हैं और जेड़ा तरन नहीं जानता उन्हें तो डुबना डुबना कदे तारू भी डुब जाते हैं और पाला लोहगढ़ सी जिन्हें अंक बटोरिया 1013 हो गया पुत्रा पालिया इंदा नथो हेड़ी वाला गोल मस्करी कर गया नहीं बाबा बखतौरा ये पिंड ही लिखता है और रसपाल चीरा समीपुरिया सुरिंदर माणिक अमरीक सहोता जूके सतनाम सत्ता प्रधान इंग्लैंड कबड्डी सतनाम सिंह चेयरमैन जूके कबड्डी बलवंत सिंह निजर और टोरंटो जहन गिल जरनैल सिंह भोला हरविंदर बिंदर हरभजन भजी राजवीर सोहता नरिंदर बग्गा अमरीक सिंह कुद्दा और मेरे मित्रों पंजाब कबड्डी एसोसिएशन पंजाब कबड्डी अकैडमी एसोसिएशन और दा साथ है दलवीर सिंह डीला रमेश मेसा रुड़की बलराज खोसा जसविंदर कुमार छिंदा गुमटाला मनजीत हैपी कश्मीर अटवाल करनैल सिंह बाहड़ माजरा नाजर धालीवाल देख दे की करते तोड़ के आंदा जा नहीं देखी जाती पुत्रा नहीं रिसा तेरिया कत्ती सहना सहना पदौड़ जिथे दियाँ चाटियां जिथे दे और संद संदेड़े खेती दे प्रसिद्ध ने बाजा खाना रोड दे उत्ते है चल बरनाले चलिए नहीं मोटर मित्रा दी तू बैठन दी कर बलिए नहीं पहाड़ा नहीं लगना आउंदा चोनी चोनी चिनेर देख दिया बदलवा खिडारी इनू कौन हथ पाउंदा है मैं गल करदा सी बिंदर फिरोजपुरीए दी
और सोना साउथ हाल हैमिल्टन दी रॉकी जूके दी जीता संगत टीवी वाला और ए लाइव कबड्डी डॉट कॉम और दुनिया के कोने कोने मैच चल रहे ने देखी जांदियां मारो ताड़ियां की बनदा सदके जावा नहीं रिसा ओ सिंह सुरमे दियां बहुत सदके जावा पुत्रा तेरे भी संगरूर वाला गबरू सी है हाँ आ लै पुत्रा पहले जफे का 500 रुपया सहना बहुत अच्छा आंदा करमजीत जोबन जोबन है चोला साहब का जिथे मैं इन्होंने मित्रों की गल करदा राजा कंग जूके दे परिवार वालों 5 लाख का पहला कबड्डी का नाम है और मित्रों सुरजीत सिंह तंजू जूके वालों 2.5 लाख का दूजा नाम है कबड्डी का सतिंदर पाल सिंह गोल्डी सानेवाल का अलूआ जा मुंडा मैं खेडता देखा सानेवाल दियां खेडां ते और उहदे वालों 1.5 लाख का तीजा नाम है ते करनैल सिंह राणा जूके वालों 1 लाख का नाम है चौथा ते ए है और अमरीक उद्दा ते और रसपाल चीरा समीपुरी दियां बातां टीम दियां बहुत अच्छा देखदे आ नूं रोकदा जां नहीं ओ क्योंकि पाकिस्तान दे खिडारी घाह ते खेडदे ने असीं मिट्टी ते खेडदे आ तां ही मुंडे तिलकदे ने थोड़ा जिहा मेरा ख्याल है पानी दी बाटी